जो इबादत करते हैं उसको नमाज नहीं कहा जा सकता। इन चीजों पर पाबंदी है, इसके बावजूद वो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। मिसाले याद करते हैं तो असल में हमें तलाश करना है कि वो कहां मौजूद है, उनको पकड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दीगर अकायद में इल्मे गैब का अकीदा शामिल है। हम हुजूर अलैहि सलाम के मुताबिक इल्मे गैब के मुताबिक ये अकीदा रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अता फरमाया, गैब का इल्म अता फरमाया। और किसने अता फरमाया? किसने अता फरमाया? और इंजील और तौरात के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आलिम गैब فَلَا يُزِنُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَدَدْ إِلَّا مَنِ الْقُدَىٰ الْمَسُولِ۔ اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتا۔ إِلَّا مَنِ الْقُدَىٰ الْمَسُولِ، اگر جس رسول کو وہ چن لیتا ہے پھر اس کے سامنے اظہار کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر علی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اشارہ فرمایا گیا، جوس اسی صورت میں بنوں گا کہ جب میرے پاس پیسے